IS-11 का बिट है जो कि इंजन का काम हुआ कहीं था, और जो कि उसका तेल लीक कर रहा है, सही से काम नहीं हुआ इंजन का। वो हमारे पास गाड़ी लेकर आया है, आज हम उसको देखेंगे कि तेल लीक कर रही है, कहाँ से लीक कर रही है, कहाँ से नहीं। आपको हम दिखा रहे हैं, चले चले आपको हम दिखा रहे हैं वीडियो कहाँ से तेल लीक कर रही है, कैसे नहीं। आई है आज का बीट आ गाड़ी आई जो कि कहीं इंजन काम हुआ था, और कस्टमर ने बोला कि काम हम हुआ था इंजन का पूरा सारा काम, तो लेकिन शिकायत है इसमें। बोले हम बोले क्या हुआ सर, तो बोले कि जो इंजेक्टर की जो पाइप नाजल पाइप है वहाँ से डीजल लीक कर रही है। तो हमने चेक किया तो देखे कि एक नंबर से चार नंबर से डीजल लीक कर रही है। हम आपको स्टार्ट करके दिखा रहे हैं कहाँ से मोबिल जो कि कहाँ से तेल लीक कर रही है, जो कि गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, और हम आपको दिखा रहे हैं कहाँ से डीजल लीक कर रही है। देखिए यहाँ से लीक कर रही है, दोनों पाइप से लीक कर रही है, डीजल से लीक करेगी तो गाड़ी सही चलवा नहीं करेगी। अब गाड़ी का इंजन देख रहे हैं वाइब्रेशन कैसे कर रहा है। ये कहीं भी काम करवाएं, कोई भी मिस्त्री काम कर सही काम करे, और परेशानी जो कि दूसरा कोई झेलना पड़ता है। देखिए और देखिए जो कस्टमर एकदम परेशान हो गए थे, बोले कि सामने देखा खोलकर, अब उसको सही करके हम आपको दिखाएंगे। खोल दिया है, ये पाइप है जो यार टेढ़ा स्विच चूड़ी फंसा दी, इसलिए यार डीजल लीक करी है। इसको देखेंगे, दूसरा मंगा के लगाएंगे, और फिर स्टार्ट करके दिखाएंगे। ये सर जो कि लीक करा था जो कि सही हो गया है, जो पाइप बदल दिया, जो पाइप चूड़ी टेढ़ा कर दिए थे इसलिए तेल लीक कर रहा था।